आज तीन जिला का दौरा हो रहा, सरायकेला खरसावां जिला आज साथ में मुर्शिदाबाद चाईबासा राजनगर होते हुए आज पटका क्षेत्र मेरा नया अध्याय का दौरा का दूसरा दिन है। हमारा बड़ा अच्छा है, हमारा चक्का खुलते जा रहा है हर जगह में, जनता सोचो कि साथी जुड़ते जा रहा है हमारा साथ। आज भी यहाँ पर उनका क्षेत्र में एक सभी पंजाब से आ गया, इसीलिए हम जो पोस्ट करके जो हमारा सोचा विचार हम डाल दिया उसको हम दोहराएंगे नहीं। एक तो हम सन्यासी नहीं लेंगे, सक्रिय रूप से इस झारखंड प्रदेश में राजनीति फिर से कदम रखेंगे और हमारा दूर है एक तो संगठन हम बनाएंगे मजबूती के साथ। यदि अच्छा दोस्त अगर हमको रास्ता में मिल गया ये चुनाव के पहले तक उससे दोस्ती भी करेंगे। इसीलिए कल का हमारा गमरिया क्षेत्र प्रोग्राम और सुखेर सरायकेला टाउन हॉल में 25 तारीख को हमारा मानगो से लेकर पूरा घोड़ा घोड़ा चकुलिया तक दिन का कार्यक्रम है। इसीलिए हफ्ता भर के अंदर में आपको कुछ सारा चीज हम खुलासा कर देंगे हफ्ता भर के बाद। और कार्यकर्ता सहयोग साथी का उत्साह, इसीलिए हमारा कदम बड़ा मजबूत इससे आगे बढ़ रहा है। आगामी 28 अगस्त को दादा देखिए हम जब नया अध्याय में आज दूसरा दिन है, हम किसी का विकास क्रम का उसका आलोचना नहीं करें, हम अपना हम बताते हैं। 10 क्या लगता है झारखंड में आप अगर चुनाव लड़ते तो कितने सीट पे लड़ेंगे? अभी नहीं, एक हफ्ते के बाद उसको खुलासा करते हैं। कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे? जब हम नया अध्याय में शुरू हो गया कोई आदमी दूसरी जगह तो नहीं जाता है। नहीं, मंत्री पद में चूंकि आप हैं दादा तो ऐसे। अरे एक ही जगह रहेंगे, जब हम नया अध्याय का हमारा रूप भी हमने बांध लिया, सीरियस बन गया, इसीलिए सारा चीज हम आगे नहीं बताएंगे, वो बहुत टाइम है। दादा कल्पना सोन का बयान आया कि आपको एक बार बात करनी चाहिए, आपको सुनाया होगा आप बात कर लीजिए। अब वापसी का तो कोई संभावना नहीं बना, कोई रास्ता खुला है? जब हम बढ़ते जा रहा है, चलिए पार्टी कदा और लोगों ने आपको मनाने मनाने का कोशिश किया गया क्या दादा पार्टी के लोगों की तरफ? यदि आपको कुछ जानकारी है तो बताइएगा। मतलब जब हमको नहीं जानकारी आपको ज्यादा जानकारी आप ही बता दीजिए। नया पार्टी बने तो क्या कुछ नया एजेंडा भी आएगा? अरे बनने के बाद ही ना नामकरण होता है। एक एक हफ्ता के अंदर सारा कुछ क्लियर कर देंगे। चलिए
चलिए ठीक है दादा, एकदम मस्त।